नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आप देख रहे हैं खेती खजाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेमन ग्रास की खेती के बारे में। जी हां किसान भाइयों, लेमन ग्रास आपने सुना होगा। लेमन ग्रास या नींबू घास की जो खेती होती है, ये एक औषधि खेती है। इसके जो उपयोग होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, कीटनाशक और दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं किस तरह से इसकी खेती की जाती है, कौन सी जलवायु में की जाती है, इसके उन्नत बीज कौन से होते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, नींबू घास या लेमन ग्रास जो होती है, उसकी पत्तियाँ काफ़ी सुगंधित होती हैं। इसका उपयोग, जैसा कि बताया गया है, कि कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, कीटनाशक और दवाओं को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस तेल का जो मुख्य घटक होता है, इसकी पत्तियों से तेल बनाया जाता है और इस तेल का जो मुख्य घटक है वो सिंट्रोल होता है। दोस्तों, तो बात करते हैं जलवायु की, किस जलवायु में इसकी खेती हम कर सकते हैं। तो लेमन ग्रास जो होती है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों ही प्रकार की जलवायु में सुचारू रूप से की जा सकती है। समान रूप से वितरित 250 से 300 mm वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है, परंतु वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसकी वृद्धि हो सकती है, बहुत अच्छी वृद्धि हो सकती है। यह प्रमुख रूप से वर्षा पर आधारित असिंचित दशा में उगाई जाने वाली फसल है। दोस्तों, किसान भाइयों, इसकी भूमि की अगर बात करें तो यह घास सभी प्रकार की मृदा में पैदा होती है, परंतु जल की निकास की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छे जल निकास वाली भूमि का चयन करना आवश्यक होता है। दोमट मृदा इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है और ढलान वाले क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर मृदा क्षरण अधिक होता है। अगर वहाँ पर आप इसकी रोपाई कर देते हैं तो मृदा क्षरण भी रुक जाता है और वहाँ की जो बंजर भूमि है आप उसका उपयोग भी ले सकते हैं, उसे उपयोग में ला सकते हैं। यह जो खेती या फसल होती है दोस्तों, ये 6 से 6.5 pH तक उगाई जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि pH क्या होता है, pH पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसके लिए भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप pH के बारे में जानकारी चाहते हैं तो होम पेज पर जाकर वहां पर देखें, आप pH का एक वीडियो हमने बना रखा है तो उसके बारे में जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर उन्नत किस्मों की हम बात करें लेमन ग्रास की, तो जो लखनऊ में रिसर्च सेंटर है अपना, जो बीज प्रमाणीकरण या बीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने दो तरह की किस्में, इसकी प्रगति और प्रमाण, इन दो किस्मों को विकसित किया है। और एक किस्म होती है OD16। यह किस्म अर्नाकुलम केरल से विकसित की गई है। अब अगर इसके बीज की मात्रा की बात करें तो 1 हेक्टेयर में रोपाई करने हेतु और पौधे तैयार करने हेतु जो सीमेंट है उसके अनुशंसा के आधार पर 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं, उसके बाद इसकी रोपाई की जाती है। दोस्तों अगर उर्वरक की बात करें तो इसकी फसल उर्वरक के बिना भी की जा सकती है, परंतु अगर आप इसके लिए उर्वरक का उपयोग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, पोटाश, इनकी आवश्यकता होती है इसे 75:30:30 में। रोपण के पहले खेत तैयार करते समय आप नाइट्रोजन की आधी मात्रा डाल दें और सल्फर और पोटाश की संपूर्ण मात्रा आप उसे दे दें। शेष जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है वो 2 बार वृद्धि काल में, 1 बार पहली कटाई के लगभग और दूसरा 1 माह के पहले तथा दूसरी कटाई के बाद में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर रोपाई की अगर हम बात करते हैं तो वर्षा प्रारंभ होने पर, जब जुलाई के प्रथम सप्ताह में रोपाई आपको इसकी करना है। अगर संचित दशा, मतलब आप अगर खेती आपकी सिंचित है, आप उसकी सिंचित दशा में रोपाई करना चाहते हैं तो फरवरी मार्च में आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों कि रोपाई में आपको क्या विधि अपनानी है, उसकी दूरी क्या रखनी है, तो जब आप कतारों में लगाते हैं तो 50 सेंटीमीटर से अंतर, 75 सेंटीमीटर तथा 30 से 40 सेंटीमीटर पौधे के बीच के अंतर रखें। आप कतारों में 50 से 75 तक का अंतर रख सकते हैं और 30 से 40 सेंटीमीटर पौधे के बीच का अंतर आपको रखना है। जो जड़दार कल्लों को 5 से 8 सेंटीमीटर गहराई तक रोपना है आपको, अच्छी तरह दबा देना है। अधिक गहराई पर लगने से जड़ें सड़ जाती हैं। रोपने के तुरंत बाद
वर्षा न हो तो सिंचाई आप करें, अगर वर्षा हो जाती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी के साथ साथ आपको निंदाई भी करना है, सिंचाई आपको समय समय पर करना है। निंदाई की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में यदि खरपतवार हो तो निंदाई करना आवश्यक है। उसके बाद घास अधिक बढ़ जाती है, वह जो भी खरपतवार होता है वो दब जाता है। दोस्तों सिंचाई की बात करें तो इस फसल को सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम होती है, परंतु अधिक उत्पादन अगर आपको लेना है और शुष्क ऋतुओं में सिंचाई आप करना चाहते हैं तो वो करना आवश्यक होता है। प्रत्येक कटाई के बाद एक सिंचाई अवश्य कर लें। फसल को सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर के ऊपर से आपको काटना है। जो गर्मी का समय होता है ग्रीष्मकाल में, 15 दिन के अंतर में आप सिंचाई करें ताकि आप उत्पादन अच्छा ले सकें। दोस्तों अगर लेमन ग्रास की कटाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पहली कटाई 3 महीने के बाद की जाती है। इसके बाद 2 से 2.5 माह में कटाई कर सकते हैं। जो मिट्टी के उपजाऊपन तथा उर्वरक की मात्रा के आधार पर भी कटाई की संख्या बढ़ जाती है। अगर मिट्टी अच्छी है आपकी, वहाँ की उपजाऊ ज़मीन है तो आप कटाई जल्दी ले सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक वर्ष में 4 कटाई की जाती है जो 5 वर्षों तक की जाती है। और असिंचित दशा में ग्रीष्मकाल में आप कटाई नहीं ले पाते हैं, लेकिन अगर आप सिंचित दशा में कर रहे हैं खेती तो आप ग्रीष्मकाल में भी कटाई ले सकते हैं। इसकी उपज जो होती है दोस्तों, हरी घास का उपयोग तेल निकालने में होता है, पत्ती तना व पुष्प ये जो हैं इनमें तेल पाया जाता है, अतः पूरा ऊपरी भाग जो होता है उससे आप तेल निकाल सकते हैं। मतलब आपको पूरी घास को जड़ से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से काटना है, उसका ऊपर का जितना भी भाग होता है उसमें पूरे में तेल की मात्रा पाई जाती है। तो लगभग 10 से 25 टन प्रति हेक्टेयर हरी घास पैदा होती है, जिससे 60 से 80 किलोग्राम तेल प्रति हेक्टेयर मिलता है। तो घास के ताज़ा वजन के आधार पर 0.35% तेल उपलब्ध होता है दोस्तों, और इस तेल की मार्केट में लगभग 500 रुपये प्रति किलो की इसका रेट होता है। और इसका जो बेनिफिट आपको होता है कि जैसे कि प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम तेल आपको मिलता है, तो आप कैलकुलेशन अगर करते हैं इसका तो आप यहाँ पर पाएंगे कि आपको एक बार खेत में फसल लगानी है और अगले 5 सालों तक आप उससे उत्पादन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी खेती करें। साथ ही दोस्तों अगर आप औषधि खेती करते हैं, जिस तरह से लेमन ग्रास एक औषधि पौधा है, उसी तरह से अगर आप औषधि पौधे के जो लाभ हैं अगर उनके बारे में जानें तो औषधि पौधे की जो खेती है दोस्तों वो बहुत ही कम जगह में करने पर भी कीमत अधिक होने के कारण लाभ अधिक होता है। दूसरी अगर बात करें तो बाज़ार में औषधि की कीमत अधिक रहती है। जिन किसानों और कृषकों के पास कम ज़मीन है वह औषधि खेती करके अन्य फसलों की खेती की बराबरी लाभ कमा सकते हैं। औषधि पौधे में खरपतवार और कीटों का प्रकोप कम रहता है, क्योंकि जो लेमन ग्रास है दोस्तों इसकी खेती अगर आप करते हैं तो इसमें कीट और रोग का प्रकोप कम रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला पौधा है। औषधि पौधे की खेती करने वाले जो किसान हैं उनका प्रतिशत कम होता है, इसलिए बाज़ार की मांग की पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है, जिससे कि इनकी कीमत हमेशा थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, इसलिए लाभ अधिक होता है। दोस्तों अगर दोस्तों इसकी आप खेती नर्सरी के थ्रू करते हैं तो इसकी नर्सरी लगाने का जो समय होता है वो अप्रैल मई में लेमन ग्रास की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्यारियाँ तैयार करके बीज बोना चाहिए आपको। 60 दिन तक रोपनी में तैयार करके जुलाई में रोपाई करना है। फसल के कल्लों के द्वारा पुरानी फसलों के जड़दार कल्ले भी रोपित किए जाते हैं। रोपने के लिए लगभग 50,000 से 1,00,000 कल्लों की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का जो वीडियो था ये लेमन ग्रास की खेती का वीडियो है। इसमें आपने देखा कि किस तरह की जलवायु में और कौन कौन से उन्नत बीज आप लगा सकते हैं। अगर आपकी जलवायु भी सपोर्ट करती है तो आप भी लेमन ग्रास की खेती कर सकते हैं दोस्तों और मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी आप खेती करते हैं तो पहले उसके ऊपर रिसर्च करें, जानकारी लें किस तरह के बीजों का प्रयोग करना है, इन सभी पर रिसर्च करें, उसके बाद ही आप खेती करें। क्योंकि क्या होता है, बिना जानकारी अगर आप कोई खेती करते हैं तो उसमें फिर आपको उतना उत्पादन नहीं मिल पाता है और लाभ नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ आपके लोकल मार्केट में
उसकी मांग है या नहीं, ये भी आप ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आपके अपने किसान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।